அது நீங்க ஃபேஸ் 6.3 லாஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 12 சைஸ் AB and BC and மீடியன் AD ஓவர் ட்ரையாங்கிள் ABC ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சைஸ் PQ and QR and மீடியன் PM of ட்ரையாங்கிள் PQR ஷோ தட் ட்ரையாங்கிள் ABC சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் PQR. तो सबसे पहली बात की दिया क्या है, उसको दिया क्या है ये समझना जरूरी है। इसने कहा AB and BC and median AD, AB BC and median AD is proportional to PQ QR and median PM. इट मींस अगर मैं सिंपली बात करूं तो दोनों ट्रायंगल के जो इन साइड्स के रेशियोज होंगे करस्पोंडिंग वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि इनके साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। तो आप कह सकते हो गिवन में क्या दिया है, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. ये बात आपको दी हुई है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। समझना भी बहुत अच्छे से समझना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेम तो नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क है। ऐसा ही आपको 14 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उसको। तो प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, इतना आपको पता है कि AD और PM क्या है, मीडियन। AD क्या है, मीडियन है, AD इज मीडियन। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, सॉरी BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में। इट मींस BD इक्वल टू BC। ऐसे ही PM भी क्या है, मीडियन। तो क्या होगा, QM इक्वल टू MR। अब बात करते हैं, हमको दिया क्या है उस बारे में। हमको दिया है AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM। ये हमको दिया है। एक बार बात कर लेते हैं उस बारे में जो हमको प्रूफ करना है और वो कैसे कैसे बनेगा। हमको ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर दिखना है। आप देख सकते हैं AB upon PQ is equal to QR, sorry BC upon QR, ये बात करनी है। तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए एक की कमी है, एंगल भी गोल्डन एंगल को या तो ये आ जाए या फिर AC upon PR आ जाए। बट AC upon PR का कोई अभी वो प्रूफ ही नहीं रहा दूर दूर तक, लेकिन एक प्रूफ बड़ा आसानी से मिल रहा है, एंगल भी और अगर एंगल क्यू को क्या कर दिया जाए, इक्वल, तो SAS से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो कैसे, AB upon PQ तो ठीक था, अगर इस BC को मैं twice of BD कह दूं तो कुछ गलत बात तो नहीं होगी, और ऐसे ही QR को twice of QM कह दूं तो ये भी ठीक है, ठीक है, equal to AD upon PM, ठीक था। ये दो equal part है, तो मैं पूरा BC ने कहा twice of BD कह दिया, QR ने कहा twice of QM कह दिया, ऐसे ही AB upon PQ is equal to टू से टू कैंसिल, BD upon QM is equal to AD upon PM, ये बात है। तो अब देखो AB upon PQ, BD upon QM equal to AD upon PM, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM by SSS। तो ये बात, ये दिया था हमने, इसको देखा twice of BD, इसको लिख दिया twice of QM, cancel, तो ये जो बात बनी AB upon PQ equal to BD upon QM equal to AD upon PM, basically क्या है, इन दोनों triangle को सिमिलर करने के लिए property SSS। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ angle B equal to angle Q आ जाएगा, result बन गया, दो triangle सिमिलर है। तो अब यही तो ये था, अब देखो हमने यही तो बात करी ABC और PQR में, अगर AB upon PQ equal to BC upon QR है और एक और चीज मिल गई इनके बीच का एंगल B equal to Q, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बात करते हैं फिर से थोड़ा सा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में ये हमको दिया था AB upon PQ is equal to BC upon QR, मैंने AD upon PM नहीं ले रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो एंड अभी अभी हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया, प्रूफ भी करो कह सकते हो आप। तो यहां से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएएस,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही आसान था, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले 13 ना देखते हुए मैंने 14 देख लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है, आपसे कहता है थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़े से में काफी अंतर आएगा, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ एंड BR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो समझना थोड़ा सा अलग अप्रोच है इसको बनाने की, फिगर सेम रहेगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, उसमें तो दिया हुआ था, इसमें दिया नहीं है, ठीक है, ABC एंड PQR बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट सीरीज रखते हैं उसको, एडी पीएम है सॉरी मीडियन है, ऐसी पीएम भी मीडियन है, अब आपसे कहता है, अच्छा थोड़ा सा मैं पोर्शन यहाँ पर जगह रखना चाहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम होगा, ठीक है, तो गेवर वाला पार्ट यहाँ से लिख लेते हैं, देखो आपसे कहा वही बात, लेकिन यहाँ पर कोई एसी ले लिया और यहाँ पर कोई बीआर ले लिया, देखो AB किसके प्रोपोर्शनल, AB AC AD किसके रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, PQ PR और PM के, मतलब मैं कह सकता हूं AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM, वही बात है बस थोड़ा सा अंतर, वहां AB upon PQ equal to BC upon QR था और यहां AB upon PQ equal to AC upon PR है, ठीक है, और AD upon PM तो क्वेश्चन में भी था, प्रूफ वाला पार्ट भी सेम है, तो प्रूफ में एंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, AD के ही इक्वल एक लाइन एक्सटेंड करते हैं इसी को, ठीक है, तो देखा ABC सिमिलर PQR बनेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, D के ही इक्वल एक लाइन ड्रॉ करी हमने, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और जॉइन कर दिया बी से ई को और यहाँ सी से ई को, ऐसे पीएम के ही इक्वल लाइन ड्रॉ करी, इसको एन कह देते हैं और क्यू से एन को जॉइन कर दिया और यहाँ से आर से एन को जॉइन कर दिया, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे एक्सटेंड एडी टू ई सच दैट एडी इक्वल टू डी ई, ठीक है, जॉइन बी और सी को जॉइन करते हैं, ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहां भी चलेगा एक्सटेंड पीएम टू एन सच दैट पीएम इक्वल टू एम एन देन जॉइन क्यू एन एंड आर एन क्यू एन एंड आर एन, ठीक, तो थोड़ा सा काम इसमें जल्दी हो जाना है, ठीक है, प्रूफ पार्ट पे देखते हैं, देखो अब मेनली बात किसकी हो गई, AB upon BQ है, AC upon PR भी है, और अगर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, इट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाए, बस इतने के लिए ही पूरा काम होने वाला है कि कैसे एंगल A को एंगल B इक्वल दिखा दिया जाए क्योंकि अदर दो रेशियोस के इक्वल है, तो प्रूफ में एक बात देखना, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि AD तो मीडियन है, ठीक है, AD इज मीडियन, तो इट मींस BD इक्वल टू DC और हमने AD और D को इक्वल लिखा है, ठीक है, उसको एक्सटेंड ऐसे किया है, तो AD इक्वल टू आल्सो D, BD DC के इक्वल, AD D के इक्वल, और आप देख सकते हो ये एक ABEC ये एक है क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होता होगा, पैरेललोग्राम, तो आप कह सकते हो इट मींस ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली यहां कह दूंगा पी क्यू
एन आर इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ जाएगी तो कैसे करें, तो ए बी सी और पी क्यू एन आर क्या रहा होगा, पैरेललोग्राम। तो अब यहां से बात निकल के आएगी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से कर्व होती है। तो कह दें कि बी ई इज इक्वल टू किसके, ए सी के, और यहां से क्यू एन इज इक्वल टू पी आर के, और दोनों का मैं रेशियो ले लूं तो बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर बेसिकली। ठीक, अब समझ लो ये बात, एक हम लाके रख देते हैं क्वेश्चन बहुत बना। अब बात करते हैं हमको क्या, हमको दिया क्या, हमको दिया था कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस ए सी अपॉन पी आर की जगह में क्या रखूंगा, बी अपॉन क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन वन। तो थोड़ा सा इश्यू होने वाला है स्पेस का, तो आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, चले लिखना बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब बात समझो कि क्या चल रहा है, इसको एक बार फिगर में देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब इस ए डी अपॉन पी एम को, इस ए डी अपॉन पी एम को मैं कुछ और पैटर्न में लिखता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसा यहां, बी ई अपॉन क्यू एन भी ऐसा यहां। इस ए डी को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए, ऐसे ही इस पी एम को हाफ ऑफ पी एम, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, क्या आया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एम। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एन, ए ई अपॉन पी एन, इसका मतलब ए बी ई सिमिलर पी क्यू एंड ए, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एंड के बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। तो यहां से मैं कह सकता हूं, अगर इसको 1 2 3 4 दे दूं तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 3 के। ठीक, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, ए सी ई सिमिलर होगा पी आर एन के, और यहां से एंगल थ्री इक्वल टू आ जाएगा एंगल 4। अगर दोनों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, तब हमको पता है सिंगल दिखाना है। ठीक है, तो उसको इरेज कर देते हैं, एंगल इक्वल टू एंगल 4 आया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, इक्वेशन स्क्वायर कर दिया आप, हैज ने इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 और यहां कर दिया इक्वेशन 2 प्लस 3, तो एंगल 1 प्लस 2 क्या बनेगा, एंगल ए बेसिकली, 3 प्लस 4 एंगल पी। अब बताओगे उतनी देर से जिसको लाने की कोशिश कर रहे थे वो अब जा क्या आया, कितने पूरी बोर्ड भर गया। ठीक है, अब जा क्या आया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो बहुत मेहनत लगी है इसलिए और पी को लाने में, तो अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली आते हैं ट्रायंगल जिसको सिमिलर दिखाना है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ये दिया है ए बी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इतना दिया हुआ है, और साथ में हम लेके आ गए क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल इक्वल टू पी, तो आप कह दोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन
दिक्कत वाला है, आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या क्या काम किया वो समझो। पहले हमने एडी को एक्सटेंड किया ई तक। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई क्यों किया, अरे रिक्वायरमेंट थी डियर क्वेश्चन की। ठीक है, इसलिए किया, एडी को ई तक एक्सटेंड किया तो क्या बना, एडी इक्वल टू डी, ऑलरेडी था बी की डी इक्वल टू डी सी क्योंकि एडी मीडियम था, तो यहाँ से ए बी सी क्या बना पैरेललोग्राम, यहाँ से बना पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो बी इक्वल टू ए सी कह दिया, यहाँ से क्यू एन इक्वल टू पी आर कह दिया और दोनों का रेशियो लिया तो बना बी अपॉन क्यू एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब एक बात बन गई थी कि बी अपॉन क्यू एन इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन पी आर है। फिर हमने चेक किया रेशियो क्या था हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, और ए सी अपॉन पी आर की जगह क्या रख दिया बी अपॉन देखा PN, तो इससे पता चला भाई ABE सिमिलर हो गया PQN के। ठीक है, बेसिकली सिमिलर करने का ही काम चल रहा था। ठीक है, इस दोनों को सिमिलर किया तो इनके करेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गए 1 और 3। सिमिलरली इन दोनों का एंगल में 2 और 4, दोनों को ऐड किया 1 + 2 = 3 + 4, जिससे क्या मिला एंगल A इक्वल टू एंगल B और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो 12 और 14 क्वेश्चन में आज देखा क्योंकि दोनों सेम थे, तो बाकी ये क्वेश्चन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।